गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज तेज प्रताप फ्रॉम RSC यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम देख चुके थे चैप्टर नंबर फर्स्ट का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो देखिए, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 लाख इक्वल टू ब्लैंक 10,000, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 हमारे पास में होंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर 1 लाख लिखता हूँ, लाख में कितनी जीरो आती है, 5 जीरो आती है, पता है आपको, ठीक है, कितनी आती है, 5 जीरो आती है। और 10,000, तो ये 10 और ये कितना आ गया 1,000, 10,000, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर हमें इक्वल करना हो, ये है हमारे पास 1 लाख, ये हमारे पास में है 10,000, इक्वल करना हो तो देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगी 0, 5 जीरो इसमें, 5 जीरो इसमें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 10, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 1 लाख जो होता है वो 10,000 के बराबर होता है। सिंपल क्या करना है आपको, पहले लिख, एक 1 लाख को लिखना है, 10,000 को लिखना है, मैच करना है कौन से में जीरो कम है, ठीक है। ऐसे अगर मैं मिलियन को लिखूं तो मिलियन में आपको पता है कितनी जीरो आती है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, जीरो कितनी आती है 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है 1 मिलियन है। अब मैं लिखूँ 100,000, ये तो हो गया 100, और 1,000 और लिखना है तो ये हो गया 1,000, समझ में आ गया 100,000। तो देखिए, ये है 100,000, 100 और 1,000, ये क्या है मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो आती है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो इसमें 6 है इसमें 5 है सेम। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 10 लिख दूँ तो इक्वल हो जाएगा दोनों, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं करोड़ लिखूँ, करोड़ में कितनी 7 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो, और 10 लाख, ये 10 और लैक में कितनी जीरो आएंगी 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 10 लाख हो गया, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 10, 10 लाख, ये हमारा करोड़ हो गया, ठीक है 1 करोड़। अब देखिए इसमें कितनी जीरो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है इसमें कितनी है 7, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 10 हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़ में फिर वापस कितनी जीरो आएंगी 7, 4, 5, 6, 7, अगर कॉमा लगाएं तो इस तरीके से कितना हो गया 1 करोड़। देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख और ये करोड़। अगर मैं 1 मिलियन लिखूँ, मिलियन में कितनी जीरो आती है 6 जीरो आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको क्या हो गया 1 मिलियन हो गया। तो देखो करोड़ में 7, मिलियन में 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैं ये हमको लिखना है 1 लाख, तो लाख में 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, मिलियन में 6 जीरो आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका 1 मिलियन और ये आपका आ गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख, ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,10,00,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,1,000,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल जो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने होते हैं, सबसे पहले आप दोनों की वैल्यू को नीचे लिखिए, दोनों को मैच कीजिए, कौन सा नंबर लार्ज है कौन सा नंबर स्मॉल है। तो आप देखेंगे कि ये वाला नंबर लार्ज है तो उसमें उतने जितने जीरो कम हमारे पास में हो रहे हैं उतने जीरो से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। थैंक यू।